जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप गुरुजी से प्रेम करते हो या जब गुरुजी खुद आपसे संपर्क करना चाहते हैं, सुबह 3 से 5 के मध्य खुलती है नींद, तो यह दिव्य शक्ति का कोई संकेत है। जाने करोड़ों लोग गुरुजी से प्यार करते हैं, पर बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिनसे गुरुजी खुद प्यार करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लें, जिस समय नींद खुल रही है वह अमृत वेला है। अमृत वेला जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियां बहुत ही तेजी से प्रवाह कर रही होती हैं। इस आसमान में, सृष्टि में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेजी से उस समय प्रवाहित होती रहती हैं। उस समय आप जाप करते और गुरु जी का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। सुबह 3 बजे आंखें खुलने का यह मतलब हुआ, सृष्टि चाहती है, आपके गुरु चाहते हैं, आपके ईष्ट चाहते हैं, दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठें, आप परमात्मा का, गुरु जी का स्मरण करें, आप गुरु जी का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां आपका इंतज़ार कर रही हैं जो कि आपको मिलनी है। यह शक्तियां पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई जो आपको तंदुरुस्त कर देंगी, धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगी, भक्ति से भर देंगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है। यह सारे संकेत दिव्य शक्तियां दे रही हैं। ये दिव्य शक्तियां गुरु हैं जो चाहते हैं आप सुबह उठें। और भी सरलता से समझें, गुरु अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। जैसे एक शरारती बच्चा होता है तो माँ उसको दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोए, अगर वह उठेगा तो वह शरारत करेगा और उसे कुछ काम नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है, माँ उसे उठाती है और कहती है, बेटा यह काम कर, और कुछ भी उससे बातें करती है। ऐसे ही गुरुजी अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे नींद आ जाती है। सुबह नींद क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि यह समय सिर्फ गुरुजी के प्रेमियों का समय है, यह समय गुरुजी के भक्तों का समय है, यह समय उस गुरुजी के प्रेमी जनों का है जिनसे गुरुजी प्रेम करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो गुरुजी से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम भक्त ऐसे हैं जिनसे गुरुजी प्रेम करते हैं और कहते हैं, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसे मैं अपने हर पल पास रखता हूँ। जब गुरुजी प्रेम करने लगते हैं तो वह अपने भक्तों को उठाते हैं, उठ जा, उठ जा, सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बातें कर, मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद ना खुले तो गुरुजी आपको ज़रूर उठाएंगे। अगर आप भूल गए उठना तो गुरुजी उठाएंगे कि चले आओ मेरे पास और मेरे चिंतन में बैठ जाओ। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की तो हमारी नींद क्यों खुलेगी। आपकी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है और गुरुजी चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और गुरुजी से संपर्क करना चाहिए। वह आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और 2 पल निकालकर उन्हें सुनना चाहिए। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं। अगर आपकी नींद खुलती है, यदि सुबह 3 से 5 के मध्य आपकी नींद खुल जाती है, तो आप वो लोग हैं जिनसे गुरुजी प्रेम करते हैं। तो आप सुबह अमृत वेला में ज़रूर उठिए, आपको कुछ नहीं बहुत कुछ अनुभूति होगी जो हर किसी को नहीं होती। अब बाकी संगत ये मत सोचिए कि हम अमृत वेला नहीं करते, हम सुबह नहीं उठते तो क्या गुरुजी हमसे प्यार नहीं करते, गुरुजी हमसे प्रेम नहीं करते, क्या हम गुरुजी की प्यारी संगत नहीं हैं? क्योंकि ये वाला सत्संग सुनने के बाद आधी संगत यही सोचेगी कि गुरुजी हमसे प्रेम नहीं करते, हम गुरुजी के समीप नहीं हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है,
हमारे लिए भी कभी वो टाइम आएगा जब हम अमृत वेला के टाइम पे उठेंगे, गुरुजी हमें खुद उठाएंगे, बस हम अभी उस स्टेप तक नहीं पहुँचे हैं। मैं आपसे एक सत्संग शेयर करती हूँ। कल मैं एक सत्संग में गई, वहाँ एक संगत ने सत्संग शेयर किया कि अमृत वेले पाठ करना चाहिए, जो करता है वो कई सीढ़ियाँ पार करके सचखंड में पहुँच जाता है। संगत जी, सच कहा संगत ने कि अमृत वेले के पाठ का बहुत महत्व है। संगत जी, जो नहीं कर पाते उसके लिए गुरुजी कहते हैं, जिस वेले तू मेरे कोल आके बैठ जाएगा, मेरे नाल जुड़ जाएगा, सच्चे भाव नाल ओ ही वेला अमृत वेला है। इसलिए संगत जी, कभी भी निराश नहीं होना है। आपको सच बताऊं, मैं भी कभी अमृत वेला नहीं उठ पाती, या यूं कहिए गुरुजी उठने ही नहीं देते। तो क्या मेरा भी किसी टाइम किया हुआ पाठ गुरुजी तक नहीं पहुंच रहा? ऐसा अगर मेरे मन में आ जाएगा कि अरे मैं तो अमृत वेला उठ ही नहीं पाती और दिन में किया हुआ पाठ गुरुजी तक नहीं पहुंच रहा, तो फिर मैं तो पाठ करना ही बंद कर दूंगी। संगत जी, गुरुजी को आपके भाव चाहिए। बस आप किसी भी टाइम गुरुजी से जुड़ जाओ और उनको बस भाव अर्पित करो, और जब गुरुजी चाहेंगे तो अमृत वेला का पाठ भी आप कर पाओगे। सब उन पर छोड़ दो। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, जिसने अपने 5 विकारों पर विजय पाली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बड़े मंदिर की 5 सीढ़ियां, जिसको पार करके हम गुरुजी के दरबार पहुंचते हैं, वही 5 विकारों की सीढ़ियां हैं। गुरुजी कहते हैं, जो इन सीढ़ियां नू पार कर लेंदा है, ओही मेरे दिल तक पहुंच सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप अगर अमृत वेला के टाइम नहीं उठते हो तो आपका किया हुआ पाठ बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई टाइम आएगा, गुरुजी आपको खुद ही अमृत वेला के टाइम पर खुद उठा देंगे। लेकिन गुरुजी सबको अलग अलग तरीके से प्यार करते हैं। गुरुजी के प्यार करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। इसलिए जो संगत सुबह 3 से 5 के बीच में उठती है, उनको बोला जाता है कि अब आप उठ ही गए हो तो अमृत वेला करो। गुरुजी चाहते हैं कि आप अमृत वेला करो। गुरुजी ने उन्हीं को उठाया होता है। लेकिन अगर हम सो रहे हैं तो मतलब अभी हमारा अमृत वेला करने का टाइम नहीं आया है। धीरे धीरे वो टाइम भी आ जाएगा। इसलिए कभी भी निराश मत होना। गुरुजी सारी संगत को इक्वल प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।